और इधर शिवसेना के 40 एमएलए पार्टी छोड़ सकते हैं, ये दावा है रामदास अठावले का। उद्धव के साथ 10-12 विधायक ही रह जाएंगे और आगे वो ये भी कहते हैं कि बीजेपी शिंदे और आरपीआई के साथ मिलकर के अगली सरकार बनेगी। फडणवीस सीएम होंगे और शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। रामदास अठावले की एक्सक्लूसिव बातचीत TV9 भारतवर्ष के साथ आपको दिखाते हैं। अब क्या होने जा रहा है, आपको क्या लगता है? क्या आपने कहा कि 2.5 साल हो गए थे तो देवेंद्र फडणवीस साहब को सीएम बनना चाहिए, अब क्या लग रहा है आपको? नहीं, मुझे लगता है कि 2.5 साल तक मुख्यमंत्री बनने का शिवसेना के साथ हमारी भूमिका थी, लेकिन अब तो बहुत सारे एमएलए, कम से कम 40 तक एमएलए मतलब शिवसेना छोड़ सकते हैं और खाली 10-12 एमएलए शिवसेना के साथ उद्धव ठाकरे जी के साथ रह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी बीजेपी ने इस पर एकनाथ शिंदे जी से बात करनी चाहिए, एकनाथ शिंदे जी ने बीजेपी से बात करनी चाहिए और बीजेपी ने मतलब कोई ये चाल खेली ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोई लोटस जो फॉर्मूला था ऐसी कोई बात बिल्कुल। अब सरकार किसकी बनने जा रही है? तो सरकार तो अभी बीजेपी और एकनाथ शिंदे और आरपीआई की मिलकर सरकार बनेगी, सरकार बन जाएगी। हाँ, तो सरकार बनना ही है क्योंकि इलेक्शन लेना किसके लिए ठीक नहीं है। तो बीजेपी एकनाथ शिंदे और आरपीआई मिला के सरकार बना लेंगे? हाँ, तो बना लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं क्योंकि बीजेपी के पास अभी कम से कम 133 लोग उनके पास ही है, खाली 12 लोगों की कमी थी। अभी इतने लोग 40 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो वो आ सकते हैं। मतलब अभी वो अगर वहाँ से हटे हैं और एकनाथ शिंदे जी जरूर बीजेपी के साथ अलायंस करके मतलब सरकार बना सकते हैं। मुख्यमंत्री? फिर मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस जी रहेंगे, देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनेंगे और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे रह सकते हैं। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम रह सकते हैं? रह सकते हैं जो अभी। तो मतलब उद्धव ठाकरे की सरकार का जाना तय है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, तो उद्धव ठाकरे जी का जाना तय है और देवेंद्र फडणवीस जी का आना तय है क्योंकि अभी। हाँ।